Look at my new car, Civic X Oreo. इससे अब फेक अरेस्टर वो बनेगी। Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. आप लोगों का स्वागत है मेरे नए घर में। कल हमने इतनी शिफ्टिंग की है ना भाई जान के क्या बताओ, और आज भी As you guys can see, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा। कारपेट्स वगैरह लगने हैं, जो पर्दे वगैरह है ये लगने हैं। अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान। इस ब्लॉग के पीछे सारा मेहनत इस बंदे का है। इस ब्लॉग में हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि सिविक ओरियल को जो नई मॉडल है उसको हम कन्वर्ट करें आरएस टर्बो में, लेकिन हमारा बजट टाइट है इस बंदे की वजह से। तो रिम्स वगैरह तो चेंज नहीं कर सकते, जितना हो सके हम वो चेंज करेंगे, और उसके अलावा शायद एक दो तीन चीजें एक्स्ट्रा भी लगवा लें। लेट्स सी हम क्या बनाते हैं एक सिंपल सिविक ओरियल से। गैराज में मम्बा की बजाय ये कड़ी है, मम्बा को सेल कर दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी तक सेल नहीं हुई है मम्बा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मसरूफ है, हमने कोई और गाड़ी नहीं ढूंढी। उसके अलावा ये सब कुछ इधर है, तो मम्बा इधर नहीं कड़ी, वो साइड गैराज में कड़ी है। तो अभी होंडा आएगी तो उसमें चलते है ना। ये छोटा ये बड़ा होके कार वॉश में या तो मजदूर बनेगा या कार वॉश का ओनर बनेगा, और कुछ नहीं। फाइबर क्लॉथ इज द की टू सक्सेस। हाय यार कितनी गंदी है, कितनी गंदी है बेचारी। इसमें भी बहुत से काम है, बहुत से काम है। इसको भी हमने थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल करना है, तो खैर फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। इससे सिर्फ हमने ये चीज़ लेना है, क्योंकि एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज़ नॉट इनफ। तो दिस इज़ द सेकेंड वन एंड यस गुड बाय फॉर नाउ। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कल रख के थे यार, थोड़ा गंदा मंदा भी हो चुका है। यू गाइस कैन सी दैट प्लेस। जैसे मैं अपनी गाड़ी गैरेज में नहीं खड़ा कर सकता था। थैंक्स अ लॉट भाई जान, बस आपने मुझे गाड़ी दे दी है, कंग्रेचुलेशंस बता दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस कार इज़ माइन, लुक एट माई न्यू कार, सिविक एक्स ओरियल, माशाल्लाह खूबसूरत। इससे अब फेक अरेस्टर वो बनेगी। कीलेस एंट्री, ओए होए होए, अभी तक प्लास्टिक्स, अभी तक सीट आ गए। बेचारा फीमेल है, फीमेल। उसके अलावा चिक माई नेकलेस, और बिजली नहीं है, गाड़ी में ही बैटरी हेल्थ तबाह करके बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। पर पहुंच गई, वैसे लिखा होता है पहुंचती नहीं है। आप लोगों के लिए मैं सेफ्टी सीट बेल्ट पहन रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी नहीं है जो पहन लो। कुछ फर्क बताने थे आप लोगों को इसमें और अरेस्ट टर्बो में। मैंने अरेस्ट टर्बो की रिव्यूज वगैरह भी की थी, मैंने अरेस्ट टर्बो वगैरह की भी रिव्यू की थी। थोड़ा सा मतलब आप लोगों को इसका फर्क बताते। एक तो ऑफ कोर्स अरेस्ट टर्बो जब आप चलाते हो तो उसमें मतलब आप थोड़े आरपीएम पर इस तरह रेज होता है कि इसमें ज्यादा आरपीएम पर वो रेज आपको मिलती है, तो आपको स्मूथनेस मिलती है। उसके अलावा उसमें होंडा सेंसिंग के बहुत से फीचर्स है जो कि इसमें नहीं है। क्रूज कंट्रोल है लेकिन होंडा सेंसिंग के फीचर्स इसमें नहीं है जो उसमें है। उसके अलावा उसमें एक्सटीरियर में हमें आरएस टर्बो में हमें साइड मिरर ब्लैक मिलता है, पियानो ब्लैक का बहुत इस्तेमाल हो चुका है उसमें। उसके अलावा हमें एम्बियंट लाइट्स मिलते हैं, इंटीरियर का भी एक ऑप्शन मिलता है कलर का, और डोर हैंडल्स भी हम पियानो ब्लैक उसमें होते हैं, और रिम्स बहुत खूबसूरत होते हैं आरएस टर्बो के। अभी हम ये फ़र्क इसलिए भी बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि हम इस गाड़ी को ले जा रहे हैं आरएस टर्बो में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें एलईडीज़ होते हैं और इसमें हेलोजन वाले येलो लाइट्स है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हम तो लाइट चेंज नहीं कर रहे, अब इतना बजट नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हद तक इन बजट हम रहेंगे, और थोड़े से आरएस टर्बो या थोड़े से कुछ बहुत मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेट्स होप सो सब कुछ स्मूथ चले, और ये बंदे का जो ड्रीम है महीनों से मुझे कह रहा है कि ये करना है करना है, फाइनली इट्स हैपनिंग। मैंने एक बहुत जबरदस्त स्पाइक लिप इसके लिए ढूंढा है सिविक 2023 मॉडल के लिए, लेकिन अब इस चीज पर हमारा बहस है मेरा और इसका। ये कह रहा है कि अच्छा लगेगा लगा लो, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा लगेगा लगवा दो, लेकिन जो आपका गैराज है ना उसके लिए मुनासिब नहीं है। फिर अपने रिस्क पर लगा ले, आवाज आएगी फिर आपकी गाड़ी चढ़ेगी, बाकी इस बंदे की मर्जी। बताओ भाईजान क्या करना है, सोच बबियो को चलो मशवरा कर लेंगे। मशवरा मुस्कुरा इस बंदे को ब्लूटूथ दे दो, गाड़ी में बैठो
पहला सॉन्ग इसका होगा, ओ मैंने डक्कू बोले इसको बार बोल दिया। आज संडे इतवार बाजार भी है। सेला सेला यार छोड़ दे, अदनान प्लाजा छोड़ दे, ग्रेनेड ढूंढ लेंगे। हेराठ अदनान प्लाजा यार एक सीक्रेट जगह था, वहाँ इसका थोड़ा और भी बजट कम कर लेना था, लेकिन वो संडे को बंद था। यार मैं सोच रहा था कि रिंग रोड संडे को कोला होता है, लेकिन उस जब वो जगह वो बंद था। ले तो विदाउट एनी डाउट इसका बैक स्पॉइलर लगेगा आरस्टर बो वाला, और उसके बाद फिर देखेंगे। ये है इसका रोड स्पॉइलर जो कि आरस्टर बो में होता है। खूबसूरत माशाल्लाह जो लुक आई है ना, खूबसूरत फिटिंग के साथ माशाल्लाह। डायरेक्ट कवर्स है हमारे पास जो कि ये ऑप्शन है इस तरह, फिर मतलब इसमें फिर कोई बात ही नहीं है। और दूसरा ऑप्शन रेप करना है, लेकिन ये बंदा गुजारा नहीं कर रहा। और ये भी हम रेप करेंगे क्योंकि इसमें जो साइड मिरर के कवर्स आते हैं उसमें तीन इस तरह लाइन होते हैं, वो स्मूथ नहीं लगता, इसको हम रेप करेंगे। लेकिन डोर्स हैंडल्स में मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इसमें जब हम रेप करते हैं तो इसमें फिर मतलब हाथ के साथ बार बार लगता है, तो उसमें फिर मसला है। और ये रिम्स तो रैप होंगे, और उसके अलावा बस सोच रहे ये भी हमने रैप करना है, और उसके अलावा हमें रूफ स्पाइडर वो जो आरस्टर बो वाला है वो हमें नहीं मिला। लेट्स सी अब वो क्या बनता है। ब्लैक रिम्स है, उसी के साथ साथ हमारा ये एम्बियंट लाइट्स का काम भी होता है। शुरू डोर के गत्ते निकल रहे हैं और उसमें एम्बियंट लाइट्स लगेंगे स्विच बोर्ड में भी और दरवाजों में भी। माशाल्लाह यार माशाल्लाह क्या रिजल्ट आया है माशाल्लाह। इनका रिप्स भी रहता है, डोर हैंडल्स का, एम्बियंट लाइट्स का काम भी चालू है, और उसके अलावा ये एक्सेट्रा ये सब भी होगा। फाइनल रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा। चारों टायर्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट एज यू गाइस कैन सी माशाल्लाह, खूबसूरत लुक। और उसके अलावा हमारा एम्बियंट लाइट्स भी ऑलमोस्ट डन है, बस सिर्फ साइड मिरर्स, डोर हैंडल्स और वो जहाज रह गया, वो जहाज नहीं है, वो भी हमने ब्लैक करना है। लेट भी है लेकिन ये सब कुछ आज हमने कंप्लीट करना है क्योंकि हम डिले नहीं कर सकते। मल्टीपल कलर के एम्बियंट लाइट्स हो चुके हैं कंप्लीट, उसके अलावा ये बड़ा खूबसूरत यार माय फेवरेट थिंग, ये जब ब्लैक होती है ना, ये जो टायर ब्लैक होता है तो उसके साथ रिम भी फिर खूबसूरत लगता है, और स्टर्बो की वाइब्स आ रही है सारी गाड़ी से। A few inches later, लोड शेडिंग, हाय हाय, सारा काम हो गया है कंप्लीट, एक पीछे वाला डोर हैंडल और एक उस साइड वाला डोर हैंडल और ऊपर जेट, ये अब कोशिश करेंगे कि लाइटर से ही हो जाए। प्रॉब्लम के पीछे दूसरे प्रॉब्लम, अब हीट गन खत्म हो गया है बिजली की वजह से, अब लाइटर से शुरू था, लाइटर ही उसका खत्म हो गया। मैं बहुत इस बंदे को बोल रहा हूँ कि मत करो, फ्रंट स्प्लिटर ना लगाओ, टूटेगा टूटेगा, नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, क्या कहो। अब खैर चोसे छुट्टी भी हो गई, काश कोई नहीं मिले। Let's see what happens. Finally, हमारा सब कुछ हो गया है कम्प्लीट, ओरियल से फेक आरस्टर वो बन गया, इवन हमने अंदर एम्बियंट लाइट्स भी लगा दिए, और वो सब कुछ हम चेंज भी कर सकते हैं, रेड वगैरह आरजीबी लाइट्स है, हम मोबाइल से भी चेंज कर सकते हैं, रिमोट से भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सब कुछ जो पियानो ब्लैक करना था वो सब कुछ हमने कर लिया,
और उसके अलावा सिर्फ एक जगह, एक जो निकल है वो मेट करना था, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और बिजली भी गई थी। दैट वॉज इट फॉर दिस सिविक। फिलहाल रात है तो गाड़ी आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से शॉर्ट्स में नहीं दिखा सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। बाय द वे, वेट वेट यार, गिव मी रेटिंग। हाउ वाज माय वर्क भाईजान? भाईजान तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मेरे साथ इधर आ गए। और बस चल कर यार, मैंने अभी तक अपनी गाड़ी में इतनी डिटेल से काम नहीं किया होगा। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेस व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज। من الأنفاس ونعلي راية المختار، تعود لصبحنا الأنفاس ونعلي راية المختار، ونعلي راية المختار.